बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अल सहर सेकेंडरी स्कूल। टुडे वी लर्न अबाउट अ वंडरफुल एंड करेजियस लेडी, हेलेन केलर। लेट्स लर्न अबाउट हर। हाउ फॉर्चुनेट आर दोज हु आर बॉर्न इन टू दिस वर्ल्ड विद टू आईज टू सी ऑल इट्स ब्यूटी। कितने खुशकिस्मत हैं वो लोग जो इस दुनिया में दो आँखों के साथ पैदा हुए ताकि इसकी खूबसूरती को देख सकें। बट देयर आर सम अनफॉर्चुनेट पीपल हु कैन नीदर सी नॉर हेयर। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे बदकिस्मत लोग भी हैं जो ना तो देख सकते हैं ना ही सुन सकते हैं। दिस वर्ल्ड विच इज सो फुल ऑफ ब्यूटीफुल कलर्स एंड स्वीट साउंड्स। ये दुनिया जो खूबसूरत रंगों और दिलकश आवाज़ों से भरी हुई है, अपीयर्स कलरलेस एंड डल टू दीज पुअर सोल्स। ऐसे बदनसीब लोगों के लिए बेरंग और बेकार मालूम होती है। वॉट अ मिसफॉर्चून, कैसी बदकिस्मती है। दे कैन नॉट सी द लवली फ्लावर्स ब्लूमिंग इन द गार्डन एंड हेयर द बर्ड्स सिंगिंग स्वीट सॉन्ग। ये बागों में खिलते हुए खूबसूरत फूलों को नहीं देख सकते और परिंदों के रसीले गीतों को नहीं सुन सकते। दे इंडीड फील वेरी सैड। वो हकीकत में बहुत गमगीन महसूस करते हैं। फॉर द फेट इज सो हार्ड, और उनकी किस्मत बहुत खराब है। वर्स इज द फेट ऑफ दोज हु कैन सी एंड हेयर वंस एंड देन नो मोर। उनसे भी ज्यादा बदकिस्मत वो हैं जो एक दफा तो देख सकते और सुन सकते हैं, इसके बाद नहीं। बट दे आर सो करेजियस एंड बोल्ड दैट दे डू नॉट लुक अनहैप्पी। लेकिन वो बहुत बुलंद हौसला और बहादुर हैं कि वो नाखुश नजर नहीं आते। दे एक्सेप्ट द चैलेंज ऑफ द फेट एंड ट्राई टू लिव चेयरफुली। वो अपनी तकदीर के इस चैलेंज को कबूल करते हैं और खुश खुर्रम रहने की कोशिश करते हैं। अमंग सच ब्रेव एंड करेजियस पर्सन द नेम ऑफ मिस हेलेन केलर टॉप्स द लिस्ट। ऐसे ही बहादुर और बाहौसला शख्सियात में मिस हेलेन केलर का नाम सरे फहरिस्त है। Helen Keller was born in 1880 in a little town in the United States of America. Helen Keller 1880 में अमेरिका के एक छोटे से कस्बे में पैदा हुई। Up to the age of 2, she was a quite normal child. 2 साल की उम्र तक वो बिल्कुल एक आम बच्चों जैसी थी। She could see and hear everything. वो हर चीज को देख और सुन सकती थी। In February 1882, फरवरी 1882 में लिटिल हेलेन फेल डेंजरसली इल। नन्नी हेलेन शदीद बीमार हो गई। ऑल फेल्ट सॉरी फॉर हर। हर कोई उसके लिए गमगीन था। बिकॉज शी बिकेम ब्लाइंड एंड डेफ, क्योंकि वो अंधी और बहरी हो चुकी थी। हर पेरेंट्स लुक्ड सैड, उसके वालदैन बहुत गमगीन थे। एवरीबडी वॉज अनहैप्पी एंड द लिटिल चाइल्ड फेल्ट मिजरेबल। हर कोई नाखुश था और नन्ही बच्ची की हालत काबले रहम थी। When she was 7 years old, her life suddenly changed. जब वो 7 साल की हुई तो उनकी जिंदगी अचानक तब्दील हुई। Helen's father asked a lady named Miss Sullivan to come and look after his blind child. Helen के वालिद ने एक खातून जिनका नाम मिस सुलेवन था उन्हें कहा कि वो आएं और उनकी नाबीना बच्ची की देखभाल करें। Miss Sullivan had herself become blind when she was a child, but afterwards she got her eyesight back. Miss Sullivan भी अपने बचपन में नाबीना हो गई थी, लेकिन बाद में उनकी बिनाई वापस आ गई थी। She thanked God for his kindness to her by helping other blind persons and making them happy and content. उसने खुदा की मेहरबानी का शुक्रिया दूसरे नाबीना लोगों की मदद करके और इन्हें खुश और मुतमईन करके अदा किया। शी स्टार्टेड टीचिंग हेलेन, उसने हेलेन को पढ़ाना शुरू किया। वन डे शी टुक हेलेन टू द रिवर बैंक एंड पुट हर हैंड इन द वॉटर। एक दिन वो हेलेन को दरिया किनारे ले गई और इसके हाथ को पानी में डाला। स्लोली शी मेड हर राइट द वर्ड WATER ऑन द सेंड। आहिस्ता आहिस्ता इसने रेत पर लफ्ज पानी लिखवाया।
She made her do it several times, and thus Helen learned how to spell word water. उसने ये अमल कई बार दोहरवाया और इस तरह हेलन सीख गई कि किस तरह लफ्ज पानी के हिज्जे करते हैं. She felt very excited. वो बहुत खुश थी because she knew that at last there would be some light in her dark world. क्योंकि वो जानती थी कि आखिरकार इसकी इस बच्ची की तारीक दुनिया में कुछ रोशनी होगी. This work was very slow and difficult. ये काम बहुत आहिस्ता और मुश्किल था. But Miss Sullivan was very kind and patient. लेकिन Miss Sullivan बहुत मेहरबान और साबिर थे. Little by little, she taught Helen about mountains and rivers and about history and geography. आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने हेलन को पहाड़ों, दरियाओं, तारीख और जोग्राफिया के बारे में बताया. She even taught her how to count and do some. हत्ता के उन्होंने उसे बताया कि कैसे सवालात को हल किया जाता है. When she was 8, जब वो 8 साल की हुई, she was sent to the school for blind children. उन्हें नाबीना बच्चों के स्कूल भेजा गया. She had forgotten how to speak. वो भूल चुकी थी कि कैसे बोलते हैं. But her teacher helped her. लेकिन उसकी टीचर ने उसकी मदद की. She would put Helen's hand on her own lips and let her feel the movement on the lips at the time of speaking. उसने हेलन के हाथों को अपने होंठों पर रखा और बोलते वक्त होंठों की हरकत को महसूस करवाया. Helen did many exercises like this and at last at the age of 10 she was to able to speak again. हेलन ने इस किस्म की बहुत सी मशकें की और आखिरकार 10 साल की उम्र में वो दोबारा बोलने के काबिल हो गई. What a joy! कितनी खुशी की बात है. वो she explained, उसने खुशी से कहा. By and by, she learned to read books. आहिस्ता आहिस्ता वो किताबें पढ़ना सीख गई. These books were printed with raised points instead of letters and she read them by touching with her fingers. ये किताबें बजाय हरूफ के उभरे हुए लफ्जों से छापी गई थीं और वह इन्हें अपनी उंगलियों से छू कर पढ़ती थी. In this way, she was able to learn as much as other people could. इस तरह वो इस काबिल हो गई कि पढ़ सके जैसे कि बाकी लोग पढ़ते हैं. She passed all her examination easily. उसने अपने तमाम इम्तहानात को आसानी से पास कर लिया. She went to college and then the Harvard University. वो कॉलेज गई और फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी. She studied at the university and graduated without difficulty. वो यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल की और बगैर किसी मुश्किल के ग्रेजुएशन पास किया. She proved to be a better student than many others. उसने अपने आप को बहुत से दूसरे स्टूडेंट से बेहतर साबित किया. Her teachers loved and admired her. उसके साथजा उससे मोहब्बत और उसकी तारीफ करते थे. In 1956, this wonderful lady visited Pakistan. 1956 में ये काबिले तारीफ खातून पाकिस्तान तशरीफ लाई. She was 76 but still very active. इनकी उम्र 76 बरस थी फिर भी वो बहुत चाको चबन थी. पाकिस्तानी पीपल गेव हर अ वार्म वेलकम. पाकिस्तान के लोगों ने उनका पुरजोश इस्तकबाल किया. She came to our country to help the blind and deaf. वो हमारे मुल्क गूंगे और बहरे लोगों की मदद के लिए तशरीफ लाई थी. शी एड्रेस्ड मैनी गैदरिंग इन कराची. उन्होंने कराची में बहुत से इज्तमा से खिताब किया. एंड विजिटेड द स्कूल फॉर ब्लाइंड डेफ एंड डम. और अंधे बहरे और गूंगे लोगों के स्कूल गई. वॉट अ नाइस स्कूल, शी एक्सक्लेम्ड. कितना प्यारा स्कूल है, उन्होंने खुशी से कहा. How wonderful it is to be with you, my dear sons and daughters. आपके साथ होना कितना खुशगवार है मेरे प्यारे बेटों और बेटियों. Always be happy and cheerful. हमेशा खुश खुर्रम रहो. Never crush your fate. अपनी किस्मत को मत कोसो. You can do
एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, आप तुम इस दुनिया में सब कुछ कर सकते हो, शी सेड टू द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल, उन्होंने स्कूल के तलबा व तालबात से कहा। एंड एडमायर्ड हार्टली ऑल द लेडीज, और उन तमाम ख्वातीन की तारीफ की हु आर वर्किंग एंड टीचिंग देयर वॉलंटियरली विद सो मच ज़ील एंड सेल्फलेस अफेक्शन, जो वहाँ रजाकाराना तौर पर जोश और बेलौस मोहब्बत के साथ काम कर रही थी और तालीम दे रही थी। होप यू अंडरस्टैंड द लेसन हेलन केलर क्लियरली। इट्स टाइम टू डिस्कस एक्सरसाइजेस ऑफ चैप्टर हेलन केलर। लेट्स डिस्कस होमवर्क टास्क। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज हेलन केलर, वेन एंड वेयर वॉज हेलन केलर बॉर्न, हेलन केलर कौन थी और वो कब और कहाँ पैदा हुई। हेलन केलर वॉज एन अमेरिकन लेडी, शी इज बॉर्न इन 1880 इन ए लिटिल टाउन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। वो अमेरिका के एक छोटे से कस्बे में 1880 में पैदा हुई। यू विल फाइंड द आंसर ऑफ ऑल क्वेश्चन इन अलसहर नोट्स। सेकेंड क्वेश्चन इज इन विच ईयर डिड हेलन केलर फॉल इल, हाउ ओल्ड वॉज शी वेन शी फेल इल, वॉट वॉज द रिजल्ट ऑफ हर इलनेस। किस साल हेलन केलर बीमार हुई, जब वो बीमार हुई उनकी उम्र क्या थी और उनकी बीमारी का क्या नतीजा निकला, या हम कह सकते हैं हाउ डिड शी बिकम ब्लाइंड एंड डेफ, वो किस तरीके से अंधी और बहरी हो गई। कॉज ऑफ हेलन्स ब्लाइंडनेस एंड डेफनेस। इन फेब्रुअरी 1882 हेलन फॉल डेंजरसली इल, शी वॉज 2 years ओल्ड वेन शी फेल इल, एज अ रिजल्ट ऑफ हर इलनेस शी बिकेम ब्लाइंड एंड डेफ। फरवरी 1982 में हेलन केलर शदीद बीमार हो गई, उस वक्त उनकी उम्र 2 साल थी और इस बीमारी के नतीजे में वो अंधी और बहरी हो गई। थर्ड क्वेश्चन इज हु वॉज मिस सुलेवन, हाउ डिड शी टीच हेलन केलर, मिस सुलेवन कौन थी और उन्होंने हेलन केलर को कैसे पढ़ाया। मिस सुलेवन वॉज हेलन्स टीचर, शी वॉज अ वेरी काइंड एंड पेशेंट लेडी वेन शी वॉज अ चाइल्ड, शी हैड लॉस्ट हर आई साइट बट लेटर शी रीगेन्ड इट। मिस सुलेवन हेलन की टीचर थी, वो बहुत मेहरबान और साबिर खातून थी, उनकी अपनी भी बिनाई चली गई थी लेकिन बाद में वापस आ गई। मिस सुलेवन टॉट हेलन बाय द मेथड ऑफ टच एंड फील, शी मेड हेलन पुट हर हैंड इन टू द वॉटर एंड मेड हर राइट द वर्ड WATER ऑन द सैंड। इन द सेम वे मिस सुलेवन टॉट हेलन अबाउट माउंटेन्स, रिवर्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड अर्थमेटिक। मिस सुलेवन ने हेलन को छूने और महसूस करने के तरीके से पढ़ाया, उन्होंने हेलन का हाथ पानी में रखवाया और उनसे कई बार रेत पर लफ्ज पानी के हिज्जे करवाए। इसी तरीके से मिस सुलेवन ने हेलन को पहाड़ों, दरियाओं, तारीख, ज्योग्राफी और रियाजी के बारे में भी पढ़ाया। फोर्थ क्वेश्चन इज हाउ डिड हेलन लर्न टू स्पीक, हेलन ने किस तरह बोलना सीखा। आंसर इज मिस सुलेवन पुट हेलन्स हैंड ऑन हर ओन लिप्स एंड लेट हर फील द मूवमेंट ऑफ द लिप एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। हेलन डिड मेनी एक्सरसाइजेस लाइक दिस, दस हेलन लर्न टू स्पीक। मिस सुलेवन ने हेलन का हाथ अपने होंठों पर रखवाया और बोलने के दौरान होंठों की हरकत महसूस करने को कहा। हेलन ने इस तरह की कई एक्सरसाइजेस की और आहिस्ता आहिस्ता बोलना सीख गई। क्वेश्चन नंबर 5 इज हाउ डिड हेलन लर्न टू रीड, हेलन केलर ने पढ़ना कैसे सीखा। शी लर्न टू रीड बाय रीडिंग स्पेशल बुक्स फॉर ब्लाइंड, दीज बुक्स आर प्रिंटेड विद ब्रेस्ड पॉइंट्स एंड आर कॉल्ड ब्रेल बुक्स, शी रीड देम बाय टचिंग विद हर फिंगर्स। हेलन ने नाबीना लोगों के लिए बनाई गई खास किताबों की मदद से पढ़ना सीखा। ये किताबें उबरे हुए नुक्तों की मदद से छापी जाती हैं, जिन्हें ब्रेल बुक्स कहते हैं। उसने इन किताबों को छूकर, अपनी उंगलियों से छूकर पढ़ना सीखा। सिक्स्थ क्वेश्चन इज
When did Helen Keller visited Pakistan and why? Helen Keller ने पाकिस्तान का विजिट कब किया और क्यों किया? Helen Keller visited Pakistan in 1956. She was 76 years old and still very active. Helen Keller ने 1956 में पाकिस्तान का विजिट किया. वह 76 बरस की थी लेकिन चाको चौबंद थी. Her purpose in visiting Pakistan was to help blind, deaf and dumb people of Pakistan. उनका पाकिस्तान विजिट करने का मकसद पाकिस्तान के अंधे, गूंगे और बहरे लोगों की मदद करना था. She gave a lot of encouragement and moral support to the blind students and to the teachers working in the school for the blind, deaf and dumb. उन्होंने तलबा और असातजा जो कि इन बहरे, गूंगे और अंधे बच्चों के साथ काम कर रहे थे उनकी बहुत हौसला अफजाई की. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू थिंक हेलन केलर वाज अ वंडरफुल लेडी. आप कैसे कह सकते हैं कि हेलन केलर एक बहुत ही वंडरफुल खातून थी. हेलन केलर वाज ब्लाइंड एंड डेफ बट थ्रू शी डिटर्मिनेशन एंड विल पावर And with the help of her teacher, she learned to read, write and speak. Helen Keller nabina aur behri thi, lekin apne azam aur quwwat-e-iradi se aur apne teacher ki madad se padhna, likhna aur bolna seekha. She went to college and then university. Wo college gayi aur phir university. Where she proved to be a better student than many others. Jahan unhone apne aap ko digar kai स्टूडेंट से बेहतर प्रूव किया. शी हैज इवन रिटन बुक्स एंड आर्टिकल्स. हत्ता के उन्होंने कुछ किताबें और आर्टिकल भी लिखे. एट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द मैसेज टू द ब्लाइंड एंड डेफ चिल्ड्रन. उनका अंधे और बहरे लोगों के लिए क्या पैगाम था. हेलन केलर टोल्ड द ब्लाइंड एंड डेफ चिल्ड्रन टू बी ऑलवेज हैप्पी एंड चेयरफुल एंड नेवर क्रश द फेट For they are capable of doing everything in this world. Helen Keller ने नाबीना और बहरे बच्चों से कहा कि वो हमेशा खुश खुर्रम रहें और अपनी किस्मत को मत कोसें. वो इस दुनिया में हर काम कर सकते हैं. Hope you understand today's lesson, Helen Keller. If you understand it, share it with your class fellows and also the students who are studying in 9th stage. And also subscribe our YouTube channel. Take care. Allah Hafiz.